जब राज्य में कोरोना पीक पर था तो उस वक्त सरकार ने फैसला लिया था कि निजी अस्पतालों को भी कोविड-19 में बदला जाए, लेकिन अब हालात सुधरने लगे हैं, लिहाजा निजी अस्पतालों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें सामान्य मरीजों के इलाज की परमिशन दी जाए। अस्पतालों ने अब स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर ये मांग की है, मगर अभी सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। डीजी हेल्थ बताते हैं कि अभी इस मामले पर विचार किया जा रहा है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से एक सुझाव है कि इस समय सुखी संख्या कम हो रही है, तो लिहाजा जो नॉन कोविड के मरीज हैं उनके भर्ती करने के लिए जो कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है उनको रिलैक्स किया जाए, उनको कहा जाए कि नहीं, अब आप नॉन कोविड मरीजों को ले सकते हैं और आप स्टैंड बाई में उनको डाल दीजिए, जब भी तीसरी लहर आएगी तो वो तुरंत जो है वो सर्विस देने को तैयार हो जाए। और गवर्नमेंट सेक्टर ऑलरेडी काफ़ी गवर्नमेंट सेक्टर है जो कोविड हॉस्पिटल डेजिग्नेटेड है वही खाली चल रहा है। है कि जब नंबर ऑफ केसेस जो अब धीरे धीरे करके एकदम ऑल ऑफ ए सडन जैसे उस समय इतनी दिक्कतें थी, तो इसीलिए सरकार ने ये सब देखते हुए जितने प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल सब में मिला के जहाँ मैक्सिमम जहाँ जहाँ हम लोगों को कोविड के मरीज भर्ती करे जा सकते थे तो उसका वो किया। अब इसको भी संज्ञान में लेते हुए नंबर ऑफ केसेस अगर कम है तो संज्ञान में लेते हुए कि मतलब ज़रूरत पड़ने पर फिर उनको कोविड में कन्वर्ट किया जा सकता है तो उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा।